नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है MTI Productions। आज हम इंदौर के सराफा चौपाटी में उपस्थित हैं और आज हम यहाँ पे जनता से ये पूछने वाले हैं कि क्या उन्हें लगता है कि इंदौर जो है वो नंबर वन रहेगा। इंदौर में सफाई के लिए जो चाक चौबंद व्यवस्थाएँ चल रही है उनसे वो कितना संतुष्ट है, हम यहाँ पे आज पूछने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पर सर्वेक्षण 2017 के पहले जो रिव्यू लिया था वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है और अब सर्वेक्षण 2018 शुरू हो चुका है। सो हम यहाँ पर पूछने वाले हैं लोगों से कि सर्वेक्षण 2018 के लिए इंदौर की जनता ने कितनी कमर कसी है, निगम ने जो कमर कसी है वो उनसे संतुष्ट है या नहीं। आइए हम देखें। हम पूछना चाहेंगे सर, जैसे आप गुजरात से आए हैं इंदौर, तो इंदौर में इंदौर ही जो क्लेम कर रहे हैं कि इंदौर नंबर वन पर रहेगा, तो क्या लगता है आप? रहेगा क्योंकि गुजरात से अच्छा है, मुझे यहाँ की क्लीन सिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त है। गुजरात से ज्यादा सफाई? हाँ, सफाई में एक नंबर, एक नंबर। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आप एज अ इंदौरी आप क्या फील करते? डेफिनेटली मैं ये फील करता हूँ कि अभी जो हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, 311 हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत साफ सुथरा हमारा शहर है और हम लोग बहुत वर्ल्ड में, अभी मतलब हम लोग इंडिया के अंदर की बात करें तो वाकई में हम नंबर एक की सिटी पे है और ये हमारा क्लाइमेट वो लोगों को शो कर रहा है कि हम लोग वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मतलब हमारा फुटपाथ देखो या हमारा सड़कें देखो तो एक नंबर वन सिटी के अंदर हम लोग काबिले तारीफ है। क्या ऐसी चीजें लगती है जिससे इंदौर नंबर वन पे आएगा, वो भी पूरे देश में? देश का तो नहीं बोलूंगा, जिस जगह खड़ा हूँ उसके लिए तो आप एक एक जगह मतलब एक एक दुकान आप देख लो, हर कोई इतना कर रहा है कि सेठ हो काम करने वाला वो मैटर नहीं करता, रात को 2 बजे एक एक टूथपिक से एक एक टिश्यू पेपर अपनी दुकान के आजू बाजू उठाना है, मतलब उठाना है। हम रात में 12 बजे करीब यहाँ पे जब एक ट्रैफिक स्टे यहाँ पे रुक जाता है उसके बाद यहाँ पे रोडों में पोछा लगता है, तो ये एक हम लोगों के ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठता है कि आप यहाँ पे क्यों गंदा कर रहे हो। उसके पीछे आपके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने गंदा क्यों किया, जब यहाँ पे इतने छोटे छोटे लेवल के कर्मचारी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप गंदा करने का आपके ऊपर हक नहीं है, और जब आप यहाँ पे गंदा करते हो तो आप उस चीज पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि हमारा इंदौर साफ नहीं है। सर आपको क्या लगता है सर्वेक्षण 2018 में इंदौर नंबर वन पे आएगा? जरूर आएगा। अब मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर इंदौर में, लेकिन जो इंदौर की क्लीननेस है, सफाई है, उसे लगता है कि इस बार फिर आएगा। हमारा मेन काम तो आपसे ही है। अच्छा, कहाँ से आए, कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से। बॉम्बे से आए सर, कैसा लगा इंदौर? इंदौर बहुत खूबसूरत लगा, स्पेशली सराफा बाजार में पहली बार आया मार्केट में। अच्छा। मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा खूबसूरत मंजर कहीं पर होगा। तो नगर निगम की पॉलिसी से आप संतुष्ट हैं? सर हमारे एरिया में तो संतुष्ट है, घर से कचरा कलेक्ट हो जाता है, सारी फैसिलिटी है, सारी चीजें हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं दिल्ली लास्ट टाइम गया था, अभी जब 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने आज जो भी अपने यहाँ पे नाश्ता करा तो प्लेट मेरे हाथ में थी, मैंने अपने यहाँ इंदौर के अपने देखा कि अपने कुछ खाया, उससे पहले क्या करता था मैं फेंक देता था, लेकिन मैं दिल्ली गया तो खाया मैंने, तो मैंने पहले डस्टबिन देखा कहाँ फेंकूँ, पहले क्या करता था मैं फेंक देता रोड पे, लेकिन दिल्ली में भी मैंने क्या करा, नहीं डस्टबिन देख के फिर फेंकना। तो अपनी इंदौर की जनता जागरूक है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंदौर ही कहीं भी जाएगा तो वो सफाई का सबसे मेन पहले ध्यान रखेगा। अपने घर को साफ रखना है तो अपने को ही कुछ करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। सो वी शुड स्टार्ट समथिंग फ्रॉम आवर साइड। जिस तरह से अगर अपन करेंगे, अगर अपन उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आगे भी वो चीज़ अच्छी रहेगी। मतलब अपन हर चीज़ गवर्नमेंट पे ढोल दे जाके, भाई तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही, तो दिस इज नॉट द राइट वे। हमारे साथ हैं रेड एफएम से RJ विनू सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। यस सर, जैसा बता रहे थे कि उनके पिताजी आउट ऑफ इंदौर के हैं, सर कहाँ से हैं आप? बिलासपुर। बिलासपुर से हैं सर। सर आपको इंदौर में आके ऐसा क्या फील हुआ कि 4000 से ज़्यादा सिटीज के बीच में इंदौर टॉप पे आएगा, ऐसा आपने क्या देखा इंदौर में? इंदौर भव्य है, अद्वितीय है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। अच्छा। सफाई व्यवस्था अच्छी है? जबरदस्त। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? रिसेंटली राजस्थान गया था, वहाँ भी मैंने अच्छी सफाई व्यवस्था देखी। सफाई डेफिनेटली नंबर वन है और नॉर्थ ईस्ट विशाखापट्टनम मैसूर से बहुत टफ कॉम्पिटिशन तो है। अब अभी जो हाल फिलहाल में हादसे उसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ, हमें सफाई से ज़्यादा कुछ और सोचना चाहिए, विच इज़ डेफिनेटली ट्रैफिक रूल्स, और उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना और करना चाहिए, एज वेल एज स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर दिखाई नहीं देता सड़कों पे। कहीं कहीं जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन काम है ये पूरे हो जाएँ, जो एनक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाए, पार्किंग और ट्रैफिक डेफिनेटली अगेन कहूँगा, बट हाँ इंदौर रहेगा नंबर वन, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हर इंदौरी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जब पूरा शहर मिलकर एज अ फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा
तो कोई नहीं रोक सकता नंबर वन होने से। इस साल क्या ऐसा नया लगा पिछले साल से कि आपको फिर से लगता है कि नंबर वन आएगा? नहीं, इस बार जैसे नगर निगम ने जो किया है काम, जैसे गुटखा पाउच जो खाते हैं, जो थूकते हैं, उनके ऊपर चालान का बताया है उन्होंने, और बाय चांस जैसे किसकी दुकान है उसके सामने अगर कोई कचरा पड़ा है तो उसके ऊपर जो चालान है, तो ये सब कचरा भी बंद हो गया जो थोड़ा बहुत डालते था, जैसे शौचालय भी बने हैं, दिख ही रहा है पूरा काम जो चल रहा है, वो टॉयलेट्स में जो साफ़ सफाई जो हुई है वो भी बिल्कुल बराबर है, मतलब दिन भर गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सब कुछ मतलब प्रॉपर चल रहा है काम, सब लाइन पर चल रहा है काम, रात में सफाई सुबह सफाई, मतलब स्वच्छता ही स्वच्छता है इंदौर में। 4000 से ज़्यादा जो सिटी है उसमें इंदौर नंबर वन पर आएगा, ऐसी क्या चीज़ है इंदौर के पास? इंदौर के अंदर रात दिन मेहनत जो चल रही है, कर्मचारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात में भी सफाई में लगे रहते हैं, सुबह से उठ के लगे रहते हैं, पब्लिक कचरा और जो भी कूड़ा कचरा है संभाल के रखती है, गाड़ी का इंतज़ार करती है, गाड़ी जब आती है गाड़ी में उस तरीके से जिस तरीके से डालने का रहता है उस तरीके से डालती है, पब्लिक भी पूरा पूरा सहयोग कर रही है, पब्लिक इस चीज़ से खुश है। मैं दिल्ली से आया हूँ, जब मैं यहाँ पे आया मैं वैन में बैठा जो 5 रुपये आपको राजवाड़ा से मालवगंज लेके जाती है, मैंने एक लड़के से पूछा कि आप केले का छिलका साथ में लेके क्यों चल रहे हैं, आप उसको फेंक दो, तो वो मेरे को बोलता है कि जब मैं डस्टबिन दिखेगा तब मैं फेंकूंगा। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका आपके लिए कुछ नहीं करेगी, मोदी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, जब आपकी सोच खुद की होगी तभी आप उसको स्वच्छ बनाओगे। तो जब उसको डस्टबिन दिखा तब तक वो उसको कैरी करता गया, उसके बाद उसने उसको डस्टबिन में फेंका। पान की पीक होती है जब अपन गुटखा सुपारी खाते हैं, उसको थूकने के लिए उसने एक डस्टबिन देखा, जब तक वो अपने मुंह में बनाए रखा उसको, उसके बाद उसने डस्टबिन देखा। तो इसका मतलब साफ होता है कि सिर्फ सरकार गवर्नमेंट और नगर पालिका जब आपके लिए कुछ करेगी तब कुछ नहीं होगा, आपको खुद में जागरूकता लानी पड़ेगी और वो इंदौर के लोगों में है। बड़ी बात यह है कि जनता में जागरूकता आई है, जनता ने खुद अवेयरनेस आई है कि हमको स्वच्छ रखना और इंदौर वास्तव में विश्व में नंबर वन रहेगा। महापौर जी ने दिखा दिया कि महापौर क्या होता है, साफ सफाई कैसे रखी जाती है, जनता खुद कर रही है अपने आप। गवर्नमेंट ने सब जगह डस्टबिन लगा दिए, घर घर से कचरा जा रहा है, तो अब गवर्नमेंट और क्या करे, अब तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसका यूज करे प्रॉपरली। अगर उसके बाद भी आप कचरा बाहर फेंक रहे हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्यों कर रहे हैं। सर जैसे नगर निगम ने एक पहल की है सेग्रीगेशन की, मतलब गीला सूखा कचरा अलग, तो आप करते हैं अपने? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, 2 डस्टबिन हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं ऑफिस में, इनफैक्ट हमने हमारी गाड़ियों में भी डस्टबिन रखे हुए हैं, मेंटेन करते हैं सब चीज़ों को, क्योंकि हम लोग नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। लास्ट वन वीक की बात है, एक जगह में पान खाने गया था, वहाँ पे कुछ आदिवासी मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं लड़के, वो आए शरारती तत्व के लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई साहब यहाँ टॉयलेट किधर है, तो पान वाले ने बोला कि थोड़ा आगे है, तो उसने बोला बहुत ज़ोर से आ रही भैया हम आसपास कहीं कर सकते, बोले नहीं वहाँ सामने है थोड़ी दूर है, तो बोले नहीं यार हम दूर चले जाएंगे कंट्रोल कर लेंगे लेकिन अपने इंदौर को गंदा नहीं करेंगे। कहाँ से मैम? मैं अजमेर से हूँ। अजमेर से, तो मैम लगा आपको इंदौर में कि जो नंबर वन रहने का क्लेम हो रहा है, इंदौरी सब कर रहे हैं कि नंबर वन पे रहेगा इंदौर, तो आपको क्या लगता है नंबर वन पे आएगा? नंबर वन पर है ही, वो ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है आएगा, जब लास्ट टाइम था अभी भी हम लोग उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कचरा फैलाते भी नहीं है और यही चीज मैसेज भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि करना नहीं भी है। दिल्ली से आया हूँ बट आकर ऐसा फील हो रहा है कि मैं 2 साल बाद इंदौर आया हूँ, पर मुझे डिफरेंस फील हो रहा है, क्लीननेस नजर आ रही है, एक यहाँ पे भी लगा रहे हैं जो भैया थे यहाँ पे सफाई करने वाले, उधर से अभी लोग मार्केट चल रही है जी, और सफाई कंटिन्यूस कर रहे हैं कंटिन्यूस, आपने देखा है बिल्कुल क्लीनिंग का काम चल रहा है कंटिन्यूसली, है ना, लोग गंदा भी कर रहे हैं लेकिन साफ करने वाले लोग उनसे पहले आ जाते हैं उसको साफ करने के लिए, बिल्कुल नजर आ रहा है जी जी नजर आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है हमारे इंदौर? अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार 2 लाइन बोल दीजिए इंदौर के लिए आपकी तरफ से। मुझे लग रहा है इंडिया का दिल अब दिल्ली नहीं इंदौर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं स्वच्छता के सबसे सुपर हीरो, हमारे भाई साहब हमारे साथ उपस्थित है। सर क्या नाम है आपका? सुजीत करोशिया। सुजीत जी उपस्थित है, सर आपकी यही ड्यूटी है सराफा बाजार में। अच्छा सर आपको क्या लगता है इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 जो होने वाला है उसमें इंदौर नंबर वन पोजीशन पे आ सकता है? आ सकता है। ऐसी क्या चीज इंदौर कर रहा है जिसकी वजह से वो सर्वेक्षण 2018 में नंबर वन पर आ पाएगा? सफाई हो रही है अच्छी इंदौर में? हो रही है ना। जब यहाँ पे पॉलीथिन बैन हुई थी तो मैं शॉप पे गया था, मैंने कहा सर आज ही तो पॉलीथिन बैन हुई है आप मुझे दे दो पॉलीथिन, बोले सर पॉलीथिन बैन होगी और न्यूज में आ गया है कल से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कि कल से लागू होगा है कि कल पॉलीथिन बैन होगी, लेकिन हमने आज से लागू कर दिए। मैंने कहा सर आप जो खरीद के लाए हो तो आपका नुकसान होगा, बोले हम सेंड कर लेंगे, हमारे घर का नुकसान है पर हम इंदौर को गंदा नहीं होने देंगे। इंदौर बहुत अच्छा हो गया है पहले से,
साफ सफाई अच्छी हो गई है। पहले इनको उदयपुर अच्छा लगता था, उदयपुर अच्छा बिल्कुल हाँ। राइट, पर अब इनको इंदौर अच्छा लग रहा है। जी हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सफाई और इन सब के मामले में इंदौर का जो अभियान यहाँ चल रहा है वो उसको देख के एक लगता है भाई उदयपुर में भी वापस वही की वही चीज होना चाहिए। सर क्या लगता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में इंदौर नंबर वन पे आ पाएगा? बिल्कुल आना ही चाहिए, कितने सारे प्रोग्रेस हुए हैं लास्ट टाइम से और अभी में काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखने लगे हैं। और सबसे मेन चीज़ लोगों के एटीट्यूड में चेंज आया है, पहले इट वाज काइंड ऑफ फोर्सफुल थिंग, अभी विलिंगली लोग सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। खुद से अगर कचरा फेंकना हो तो पहले एक बार सोचते हैं, एक बार दिमाग में एटलीस्ट वो गाना आ जाता है जिससे खुद से ही याद आ जाता है कि नहीं भाई सड़क पर नहीं फेंकना है, वो या तो गाड़ी में अपने साथ रखेंगे और जहाँ भी प्रॉपर डस्टबिन मिलेगा वहाँ पर वो थ्रो करेंगे। जी बिहार से हूँ। बिहार से? गया। गया बिहार, गया बिहार से। हाँ जी। तो आप इंदौर की स्वच्छता से प्रभावित हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल प्रभावित हुआ हूँ, बिहार की मतलब बिहार के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा यहाँ पे स्वच्छ है, हर चीज को यहाँ देखा जा रहा है और उसका अल्टरनेट भी निकाला जा रहा है कि अगर आम पब्लिक भी कैसे सपोर्ट कर सके, उसके लिए भी मतलब SMS के द्वारा और हर जगह डस्टबिन ये सब, मतलब एक बहुत ही अच्छा पहल है ये सब। आपको क्या लगता है सर्वेक्षण 2018 को लेके जो इंदौर नगर निगम तैयारी कर रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं? ठीक है, पर जगह जगह थोड़ा अभी साफ सफाई तो अच्छी चल रही है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही जाता है। निगम कितनी तरीके से उसमें सक्सेसफुल है? मेरे को तो लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है, अगर आप मतलब अगर 2008, 2009, 2010 देख सकते हो तो अभी उसके अकॉर्डिंग अभी तो बहुत सक्सेसफुल है निगम। आपको लगता है कि सर्वेक्षण 2018 में इंदौर नंबर वन पे आएगा? नंबर वन पे इंदौर आएगा, बराबर आएगा। और अभी नगर निगम जो व्यवस्था कर रही है यहाँ पे और यहाँ की पब्लिक ने बहुत उस चीज को ग्रहण करा है और उनमें बहुत अवेयरनेस आई है। इतने साल से मैं बाजार में धंधा कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी अभी जो पब्लिक का मूड देख रहा हूँ बराबर डस्टबिन पूछते हैं हमसे, डस्टबिन में डाल के जाते हैं। सर आपने अपना जो ये बैनर बनाया है इसमें आपने 50% जो है उसमें स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर इसको लेकर ही पूरा लिखा हुआ है मैटर, तो क्या सोच के आपने ये लगाया? आज इंदौर में नगर निगम इतना अच्छा काम कर रही है तो अपना भी दायित्व बनता है कि जो पब्लिक यहाँ आए वो इसको देखे और वो करे उसको। अच्छा, उसमें उस पहल को अपने आगे बढ़ाना है। सर आपको क्या लगता है इंदौर जो है वो नंबर वन पे आएगा? बरोबर आएगा, शहर की पूरी जनता इस चीज में सक्रिय हो चुकी है और वो भी चाहती है कि हमारा शहर नंबर वन रहा है और नंबर वन रहे। यहाँ पर लोगों में जागरूकता आ गई है ना, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आती तब तक सर्वेक्षण में आगे आना बहुत मुश्किल था। नगर निगम ने जो पहल की है गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, क्या आप अपने घर पे करती हैं? हाँ जी करती हूँ, श्योर करती हूँ। आपको लगता है नगर निगम की सार्थक पहल है? बिल्कुल है। आप अपने घर पे गीला सूखा कचरा अलग अलग? हाँ करते हैं अलग अलग ही बिल्कुल। देखते हैं मैम डिलीशियस फूड तो बनाती हैं। बाकी मैम आपको क्या लगता है इंदौर जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 जो होने वाला है शुरू हो गया है तो उसमें नंबर वन पे आ पाएगा? बिल्कुल नंबर वन पे आएगा हमारा इंदौर। आपको क्या लगता है कि जो इंदौर में सफाई हो रही है वो एक मतलब अच्छी पहल है? हाँ अच्छी है। अच्छी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें सब कुछ है, एक गाड़ी आती है जिसमें झाड़ू भी हो जाती है, पानी भी डल जाता है और सब कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ बताइए। क्योंकि इससे लोगों को बीमारी नहीं होती है, धुएं से लोग बहुत बीमार होते हैं इसलिए। गली गली और मोहल्ला कैसे करते हो हल्ला हल्ला है हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला इंदौर रहेगा नंबर वन, 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 इंदौर था नंबर वन और इंदौर रहेगा नंबर वन, इंदौर रहेगा नंबर वन, इंदौर रहेगा नंबर वन, नंबर वन, इंदौर रहेगा नंबर वन। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।